विद्यार्थियों, आप सभी का डीसीपी मिश्र स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं शिवम केसरवानी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति है। आज इस टॉपिक के तहत हम समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति तथा उससे जुड़े सभी आयामों के विषय में और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को एक नई दिशा प्रदान की, क्योंकि इसी क्रांति के बाद विश्व पटल पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की विचारधारा कहीं ना कहीं प्रसारित होती है। इसलिए ना सिर्फ इतिहास के छात्रों को बल्कि राजनीति विज्ञान के छात्रों को भी यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसलिए आज हम यह प्रयास करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में, इस टॉपिक के संदर्भ में जितनी भी भ्रांतियाँ आपके मन में हो कहीं ना कहीं से दूर किया जाए। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि एकदम सरलतर तरीके में, सरलतर रूप में इस टॉपिक के सभी आयामों को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि एक सामान्य समझ आप पर विकसित हो सके इस टॉपिक के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में। फ्रांसीसी क्रांति को शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानना जरूरी है कि आखिर फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यह जानना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। फ्रांस सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य है कि समाज कैसा था फ्रांस का, फ्रांस के लोगों का समूह कैसा था। अमूमन 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज की संरचना अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन स्टेट्स पाए जाते थे, जिससे हमें स्पष्ट समझ में आ सकती है फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अमूमन फ्रांस के सभी जन समूहों को तीन स्टेट्स में बांटा जाता था। प्रथम स्टेट्स द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। जो प्रथम स्टेट्स था उसके अंतर्गत पादरी वर्ग को सम्मिलित किया जाता था। पादरी वर्ग मतलब जो चर्च के कहीं ना कहीं आप जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे पादरी कहते हैं। इसका समझ आप अपने समाज में मंदिरों के पुजारियों से ले सकते हैं। जिस प्रकार भारतीय समाज में मंदिरों के पुजारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार ईसाई धर्म में चर्च के जो है जो सर्वोच्च पद होता है उसे पादरी कहते हैं। तो समाज में जो सबसे पहला और सबसे जो वर्चस्व वाला पद था वो पादरी का था। इसके बाद जो दूसरा द्वितीय स्टेट्स था वो कुलीन वर्ग का था। कुलीन इसके अंतर्गत प्रशासन करने वाले एक सम्मिलित किए जाते थे, शासन प्रशासन चलाने वाले लोग, राजा, उसके मंत्रीगण, सभी लोक प्रशासक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, सेना, सभी कुलीन वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते थे। जबकि जो तीसरा स्टेट्स था उसके अंतर्गत जनसाधारण सम्मिलित था। जनसाधारण तृतीय स्टेट्स के अंतर्गत आता था। अगर सामाजिक संरचना अगर आपको और गहराई में देखना हो तो आप पाएंगे कि जनसाधारण वर्ग में भी दो प्रकार के वर्ग थे। एक तो काफी गरीब वर्ग था जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर आते थे। इनकी स्थिति काफी खराब थी, आर्थिक स्थिति से भी ये काफी पिछड़े हुए थे, सामाजिक स्तर पर भी इनको काफी शोषण का
शिकार होना पड़ता था। इसके अतिरिक्त ये शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन तृतीय स्टेट्स के अंतर्गत कुछ मध्यम वर्ग भी कहीं ना कहीं प्रभुत्व रखता था। मध्यम वर्ग था, इसके अंतर्गत पढ़े लिखे लोग थे, वकील, डॉक्टर, व्यापारी आदि सम्मिलित किए जाते थे। सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी फ्रांस में कि सब फ्रांस में जो कर देन करदाता था वो एकमात्र तृतीय स्टेट्स यानी जन साधारण था, एकमात्र करदाता था। जो कर देने का कार्य था वो केवल तृतीय स्टेट जन साधारण द्वारा किया जाता था। और ये दो जो वर्ग थे समाज के, प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट जिसके अंतर्गत पादरी और कुलीन वर्ग आते थे, इनको समाज में विशेषाधिकार प्राप्त था जिसके तहत ये कर से मुक्त थे। इसमें सबसे ज़्यादा व्यवस्था बदतर किसान और मजदूरों की थी, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ कुलीन वर्ग यानी द्वितीय स्टेट को कर देना पड़ता था, ना सिर्फ राज्य को कर चुकाना पड़ता था, बल्कि उसे प्रथम स्टेट यानी पादरी को भी कर देना पड़ता था। जो पादरी को कर देता था उसको टाइद कहा जाता था। टाइद ये एक प्रकार का कर होता था जो तृतीय स्टेट्स प्रथम स्टेट्स को, सॉरी ये टाइड यहां पर, टाइड तृतीय स्टेट प्रथम स्टेट को टाइड यानी धार्मिक कर के रूप में 1/10 हिस्सा अपनी उपज का देना पड़ता था। और ना सिर्फ धार्मिक क्षेत्र को बल्कि उसे राज्य कर भी देना पड़ता था जिसे टाइल कहा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि तृतीय वर्ग जनसाधारण धार्मिक रूप से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, टाइद कहलाता था। तो जो तृतीय वर्ग था वो एक निश्चित हिस्सा धार्मिक कर के रूप में पादरी को टाइद देता था, वहीं साथ ही साथ राज्य कर के रूप में टाइल भी तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त किसानों का शोषण सामंतवादी भी करते थे। मध्यम वर्ग कुछ हद तक तो ठीक था, उसकी आय भी कहीं अन्य अधिक थी, लेकिन समाज फ्रांस की सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी। अब आइए समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। आपने सामाजिक स्थिति इसकी समझ लिया है तो मेरा विश्वास है कि आगे की समझ विकसित करने में सरलता होगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुभारंभ कैसे होती है। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाध सन 1774 ईस्वी में अगर आप देखेंगे सन 1774 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन कहीं ना कहीं चल रहा था। बुर्बो राजवंश का शासन था और सन 1774 ईस्वी में ही राजगद्दी पर बैठा फ्रांस का शासक लुई 16वां। तो लुई 16, लुई 16वां जो है ये राजा सन 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जब इसने राजगद्दी पर बैठा तो इसके सामने कई चुनौतियां सामने आईं। उसमें एक चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती वो थी आर्थिक क्राइसिस। आर्थिक तंगी सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे
वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुके थे। अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहते थे और उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और युद्ध चल रहा था। चूंकि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन का शत्रु था, तो फ्रांस ने अमेरिकी की आर्थिक मदद की। परिणाम स्वरूप 10 अरब बैरल से भी अधिक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कर्ज हो गया फ्रांस के ऊपर। तो आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण अमेरिकी युद्ध भी रहा। आर्थिक तंगी हुई 1774 ईस्वी में, इसका एक प्रमुख कारण अमेरिकी क्रांति था, अमेरिका की मदद। एक अन्य जो कारण वो ये था कि समाज में कहीं ना कहीं शासन में, लुई के शासन में कहीं ना कहीं बहुत ही भ्रष्टाचार का भी फैलाव था। सभी प्रशासनिक पद खरीदे और बेचे जाते थे, भ्रष्टाचार का काफ़ी बोलबाला था। तो एक प्रमुख कारण आर्थिक तंगी का भ्रष्टाचार भी था। इसके अतिरिक्त कर का सीमित क्षेत्र, क्योंकि आपको पहले ही सामाजिक स्थिति बता चुका हूँ कि समाज का एक निश्चित वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था वही जो है कर देता था, जबकि दूध की मलाई पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग खा जाता था। तो कर का सीमित क्षेत्र भी इसका एक प्रमुख कारण था। अन्य कारणों में देखा जाए तो समय समय पर फ्रांस ने युद्ध लड़े, युद्ध के भी कारण आर्थिक तंगी थी। युद्ध के कारण भी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी बढ़ रही थी। इसके अतिरिक्त 1774-75 के आसपास जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है फ्रांस में आर्थिक तंगी का। ऐसी तमाम कारण थे कि फ्रांस में आर्थिक तंगी थी। फ्रांस की सरकार कहीं ना कहीं राजवंश बड़े पैमाने पर कर्ज में डूबा था, इसलिए नितांत आवश्यक थी कि अब जो है करों में वृद्धि कर दी जाए, जिससे इस आर्थिक तंगी से उबार पाया जा सके। स्टेट्स जनरल के विषय में समझते हैं। फ्रांस की सम्राट 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वें ने कर में वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली, जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाई। पांच मई 1789 ईस्वी को लुई 16वें ने जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाई। आखिर जनरल स्टेट क्या थी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जनरल स्टेट्स एक सरकारी संस्था थी जिसमें मुख्यतः करों में वृद्धि करने के लिए एक आम फैसला होता था। अमूमन कोई करों में वृद्धि करना हो, जैसे कुछ बड़े फैसले इसी में संपन्न होता था। इसकी तुलना आप वर्तमान के संसद से कर सकते हैं। तो जो बड़े फैसले होते थे कहीं ना कहीं यहीं पर होते थे। इसकी संरचना ये थोड़ा समझ लेते, इसकी संरचना काफ़ी मज़ेदार है। इसकी संरचना में मुख्यतः तीन वर्ग होते थे समाज में, जो प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट्स होते थे, उसी समाज इसमें जो है तीन वर्ग होते थे। एक प्रथम स्टेट्स होते थे, इसके 300 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते थे।
प्रथम स्टेट जो कि पादरी वर्ग का समूह था, इसके 300 स्टेट्स कहीं ना कहीं सम्मिलित होते थे। जो दूसरा वर्ग था वो कुलीन वर्ग था, इसके भी 300 सदस्य प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। जबकि जो जनसाधारण समूह था उसके 600 सदस्य 600 प्रतिनिधि जनरल स्टेट्स में इकट्ठा होते थे। 300 स्टेट्स प्रथम स्टेट्स के 300 प्रतिनिधि इधर दाएं बैठते थे, बाएं 300 स्टेट प्रतिनिधि द्वितीय स्टेट्स के, और दोनों ओर 600 प्रतिनिधि तृतीय स्टेट्स के खड़े होते थे। जो खास बात यह थी कि तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। किसी भी फैसले पे जो वोटाधिकार वोट होती थी वो केवल 3 वोट पड़ते थे। 300 वर्ग प्रतिनिधियों को एक वोट देना पड़ता था, इधर 301 और 600 मिलाकर एक, कुल मिलाकर 3 वोट पड़ते थे और 2-1 से कहीं ना कहीं किसी भी प्रस्ताव को पारित माना जाता था। तो खास बात ये होती थी कि जो प्रथम स्टेट्स था और द्वितीय स्टेट्स था इसकी मिलीभांति होती थी। किसी भी प्रस्ताव पर इन्हीं दो के मत मिलते थे और 2-1 से जो है कहीं ना कहीं फैसला हो जाता था। तो ये दोनों वर्ग कहीं ना कहीं मिलीभांति होती थी। इस बार कर वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं 5 मई 1789 को लुई सुलावे ने जो है जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बार जो तृतीय स्टेट्स था जिसकी प्रतिनिधित्व तो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग कर रहा था समाज का, क्योंकि जो तृतीय स्टेट्स का एक बड़े पैमाने पे जो मजदूर थे, जो किसान वर्ग था, वो तो अशिक्षित था, वो यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। लेकिन जो मुख्यतः मध्यम वर्ग प्रतिनिधित्व कर रहा था तृतीय स्टेट्स का, उसे यह स्थिति ठीक नहीं लगी। उसने इसका विरोध किया, उसने कहा कि 300 समूहों को एक एक वोट देने का बल नहीं, बल्कि प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक प्रतिनिधि को अपना एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ताकि इस वर्ग से 300 वोट मिले, इस वर्ग से 300 और इधर 600, कुल 1200 वोटों के माध्यम से प्रस्ताव पर विवेचना या प्रस्ताव पर जो है वाद विवाद होनी चाहिए। लेकिन लुई सोलहवें ने इसकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप तृतीय स्टेट्स के लोग भड़क गए, वे बाहर आए और मिरब्बे और आबे सीए, ये नाम याद रखिएगा, मिरब्बे और आबे सीए, इन दोनों के नेतृत्व में इन सभी 600 प्रतिनिधियों ने यह दृढ़ निष्कर्ष लिया कि जब तक सम्राट के अधिकारों को कम करने वाला तथा समाज के विशेषाधिकार को समाप्त करने वाला एक कानून नहीं बना लेंगे, तब तक हम जो है जनरल स्टेट को भंग नहीं करेंगे। उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। इन्होंने कहा कि आज से हम ही नेशनल असेंबली हैं और संविधान निर्माण में लग गए। तो 5 मई 1789 की घटना है, मिरब्बे और आबे सीए के नेतृत्व में इन्होंने स्वयं को, तृतीय स्टेट्स ने अपने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और कहा कि जब तक हम एक ऐसे कानून का निर्माण करेंगे, एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो कहीं ना कहीं सम्राट के जो अधिकारों को सीमित करेगा, समाज में जो असमानताएं फैली है, जो समाज के कुछ वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम समाप्त करेंगे और यहाँ से ये जो तृतीय स्टेट्स था ये कहीं ना कहीं एक संविधान निर्माण में लग गया। इधर संविधान निर्माण में ये लग गया, समाज की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। इसी समय फसल भी खराब हुई, सूखा बाढ़ की वजह से फसलें भी खराब हो गई,
जनसंख्या पहले ही वृद्धि हो चुकी थी फ्रांस की, किसानों को फसल कमजोर हुई, मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही थी, परिणाम स्वरूप वस्तुओं की चीज़ें आसमान छूने लगी। जो दुकानदार थे, राशन विक्रेता था, उन्होंने माल की स्टॉकिंग करने शुरू करी, वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ने लगी, लोगों में आर्थिक तंगी पहले से थी, लोग वस्तुओं को खरीदने भी सक्षम नहीं हुए, परिणाम स्वरूप आर्थिक और जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में जो संपूर्ण फ्रांस की जनता थी वो कहीं ना कहीं आक्रोशित थी और एक खास मौके की इंतजार थी कि कोई खास इवेंट पड़े और वो अपना सारा गुस्सा कहीं ना कहीं जग जाहिर कर सके। और इसको खास मौका तब मिला जब ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि सम्राट की सेना कहीं ना कहीं पेरिस में घुस आई है और लोगों को मार रही है। ऐसे में एक बड़ा तबका, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो असंतोषित था, जो शोषित था, उसने आंदोलन करना शुरू किया। सम्राट के हब कहे जाने वाले बड़े बड़े इमारतों, बड़े बड़े कारगरों को तोड़ दिया और कानूनों का जमकर उल्लंघन किया, दुकानों को लूट लिया गया, कुछ दुकानदारों की हत्याएं की गई, पूरा समाज, पूरे फ्रांस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छिड़ गया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि 16 को, 4 अगस्त सन 1789 को, 4 अगस्त 1789 ये वो डेट थी जब लुई 16वें ने अपनी जनता की शक्ति को पहचान लिया कि अब जो है जन इतनी आक्रोश हो गई है कि उन पर शोषण करना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप 4 अगस्त 1789 को लुई 16वें ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इधर मिरब्बे और आबे सीए, मिरब्बे और आबे सीए के नेतृत्व में जो तृतीय स्टेट्स संविधान और एक कहीं ना कहीं नियम बनाने के तैयार कर रहा था, उसे कहीं ना, जिसने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, 4 अगस्त 1789 को लुई 16वें ने इसकी मान्यता प्रदान कर दी और कहा भाई ठीक है, आज से ये नेशनल असेंबली की हम मान्यता प्रदान करते हैं। और जैसे ही मान्यता प्रदान हुई, 4 अगस्त 1789 को ही तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली ने एक के बाद एक धड़ल्ले से कई नियम पारित कर दिए। उनमें से कुछ नियम आइए समझते हैं। सबसे पहली व्यवस्था जो की वो सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। कहा समाज में जो सामंतवादी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। सम्राट के सत्ता पर संविधान का अंकुश लगा दिया गया। कहा गया कि अब सम्राट जो है वो निरंकुश नहीं है, वो पूर्ण सत्तावादी नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं संविधान का अंकुश होगा, संविधान का नियंत्रण हो गया। सम्राट पर संविधान का नियंत्रण हो गया और साथ ही साथ पादरी वर्ग का जो उच्च अधिकार थे, विशेषाधिकार था, उसे समाप्त किया गया। पादरी वर्ग का विशेषाधिकार
पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर जिसे जलित के नाम पे दिया जाता था, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया। और राजतंत्र को समाप्त करके हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गणतंत्र की प्रणाली अपनाई गई, क्योंकि इसमें जो है कार्यपालिका के सदस्यों, विधायिका के सदस्यों का चुनाव कहीं ना कहीं जनता द्वारा सुनिश्चित किया गया था। हालांकि कितनी सच्चाई थी अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं गणतंत्र शासन प्रणाली का नींव रखी गई। याद रखिएगा, ये पहली ऐसी शासन व्यवस्था है विश्व स्तर पर जब गणतंत्र शासन प्रणाली की विचारधारा कहीं ना कहीं विकसित की गई। इसके अलावा चर्च की भूमियों को, चर्च पर जितनी भी चर्च की भूमियां था उस पर जब्त कर लिया गया और उसे जो कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेज, सरकारी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाने लगा। चर्च की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को जब लुई 16वें ने तृतीय स्टेट्स के द्वारा बनाए जा रहे नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की, तो उन्होंने इस प्रकार के कई घोषणाएं की और समाज में एक विशेषाधिकार को हनन करके एक समानतावादी शासन व्यवस्था लागू किया करने का प्रयास किया। और 2 वर्षों बाद 1791 ईस्वी में आखिरकार इन्होंने एक संविधान का एक निश्चित स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। कैसा स्ट्रक्चर था ये समझने का प्रयास करते हैं। 1791 ईस्वी में आखिरकार नेशनल असेंबली ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया कि सम्राट के शक्तियों को कहीं ना कहीं सीमित किया जाए और वर्तमान के जिस प्रकार शक्तियों का विभाजन सरकार के अंगों का रूप दिखाई पड़ता है, कुछ उसी प्रकार की स्ट्रक्चर उस समय दिखाई पड़ता है। उस समय जो है सरकार को मुख्यतः 3 अंगों में बांटने का प्रयास किया गया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटन का प्रयास किया गया और प्रयास किया गया कि जो कानून निर्माण का कार्य होगा कहीं ना कहीं विधायिका बनाएगी, कार्यपालिका जो है कहीं ना कहीं कानून को क्रियान्वयन करने का कार्य, और न्यायपालिका द्वारा न्याय का प्रयास किया जाएगा। जो विधायिका बनाए गए वो नेशनल असेंबली थी और इसमें कुल 792 सदस्य थे। नेशनल असेंबली जिसमें कुल 792 सदस्य थे और इनका जो निर्वाचन होता था वो कहीं ना कहीं जनसाधारण द्वारा होता था, जिसमें समाज के तीनों स्टेट्स का सम्मिलित थी। लेकिन जो खास बात ये थी कि वो जो मताधिकार था वो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। आइए समझते हैं कि वो मताधिकार कैसे व्यवस्थित किया गया था। संपूर्ण जनसाधारण को दो वर्गों में बांट दिया गया, एक निष्क्रिय नागरिक एक सक्रिय नागरिक। तो फ्रांस में पहली बार मताधिकार की व्यवस्था की गई। जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी। लेकिन मध्यम वर्ग ने एक खेल खेला, वो ये था कि समाज के नागरिकों को दो वर्गों में बांटा,
एक निष्क्रिय नागरिक, एक सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिकों को ही एकमात्र वोट देने का अधिकार था, निष्क्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सक्रिय नागरिक वो होते थे जिनकी एज 25 वर्ष से अधिक होती थी। कुछ क्राइटेरिया थी सक्रिय नागरिक की। नंबर एक, एज 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर दो, वह केवल पुरुष होना चाहिए। महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। और ये आश्चर्य की बात है कि सन 1941 ईस्वी तक फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। उन्हें मताधिकार के लिए एक लंबे समय तक लड़ना पड़ा। तो पहली बार पुरुषों को तो मताधिकार मिल गया था। तीसरा जो क्राइटेरिया थी वो ये थी कि केवल उन्हीं वर्गों को जो है दिया गया, एक जो 3 दिन के बराबर कर अदा करते थे। मतलब जो छोटे काश्तकार, छोटे वर्ग, किसान और मजदूरों को कहीं ना कहीं मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। एक खास तबका जो मध्यम वर्ग का, जो शिक्षित वर्ग का था फ्रांस में, जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनको तो मताधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन एक बड़े तबकों को, जिसमें किसान और कहीं ना कहीं मजदूर थे, उनको राजनीति से अभी भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय रखा गया। ये 792 सदस्य चुनकर चुनाव करते थे। विधायिका कार्यपालिका में 2 लोग होते थे, एक तो सम्राट होता था और एक मंत्रीगण होते थे। मंत्रीगण की नियुक्ति विधायिका ही करती थी और ये जो है सम्राट पर नियंत्रण भी रखने का प्रयास करता था। यानी सम्राट अपने मनमाने कार्य नहीं कर रहा था, विधायिका जो भी आदेश पालित करती थी उसी आधार पर सम्राट कहीं ना कहीं शासन चला रहा था। सक्रिय जो राजन थे, सक्रिय नागरिक ही न्यायपालिका के सदस्यों का भी निर्वाचन करते थे, नियुक्ति करते थे। कुल मिला के समाज में निष्क्रिय जो नागरिक थे उसका कोई रोल नहीं था। तो ये सामाजिक स्थिति, ये राजनीतिक स्ट्रक्चर था जो 1791 में बने कानून के तहत बनाया गया था। इससे समाज की धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन याद रखिए, जब भी समाज के किसी एक भी तबके को अधिकारों से वंचित किया जाएगा तब तक समाज कहीं ना कहीं स्थिर नहीं हो सकता। क्योंकि इस समाज में गरीब तबके के लोग थे और महिलाएं। ये अभी भी असंतुष्ट थे, इन्हें अभी भी जो है राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। परिणाम स्वरूप समाज में अब आम स्थानों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं शुरू हो करने लगी। लोग छोटे छोटे अपना अपना क्लब बनाने लगे। क्लब में राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं होने लगी और समाज का यह वर्ग कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुआ और इसने यह विचार रखा कि अब जो है एक बार फिर से सामाजिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंजेस होना चाहिए ताकि हम लोग भी समाज की एक मुख्य धारा में आ सके। इधर समाज का यह वर्ग भी कहीं ना कहीं एकदम उत्सुक था, क्रांति के फिरोक में था। इधर सम्राट भी शांति से बैठने वाला कहाँ था। सम्राट था, ऐसो आराम से जीने वाला बंदा था। वर्तमान के इसके पास शक्तियां हैं नहीं, कठपुतली बन के रह गया था विधायिका का। तो इसने ऑस्ट्रिया और प्रसा, इसके जो राजनीतिक देश हैं, ऑस्ट्रिया और प्रसा, इन राज्यों से कहीं ना कहीं सम्राट की गेला मेली शुरू हो गई।
और ये लोग कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के रूप में बनाना स्टार्ट कर गए कि कहीं ना कहीं ये लोग फ्रांस में आक्रमण करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर एक बार फिर से समाज में सम्राट की सत्ता का वर्चस्व स्थापित हो सके। लेकिन चूंकि वास्तविक शक्ति विधायिका के पास थी, विधायिका के सदस्यों को इसका कहीं ना कहीं एहसास हुआ और उसने आदेश पारित किया कि फ्रांस की सेना ऑस्ट्रिया और प्रसा पर आक्रमण करे। परिणाम स्वरूप समाज में क्रांति का फिर से, युद्ध का फिर से स्थिति तैयार हो गई। समाज से बड़े वर्ग में पुरुषों ने युद्ध में भाग लिया और युद्ध का एक नियम है कि जीत और हार चाहे जिसकी भी हो, पर कुछ क्षतियां होती हैं जो समाज को उठानी ही पड़ती हैं। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती ही होती है और समाज स्तर पर भी कहीं ना कहीं भुखमरी और असंतोष फैल जाता है। युद्ध बाद कहीं ना कहीं पहले ही जो जनता थी फ्रांस की भुखमरी के आकार में थी, आर्थिक मंदी पहले ही चल रही थी, मजदूरों के पास पहले ही धन का अभाव था, सारे वस्तुओं की कीमतें लगातार महंगी होती गई। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से 1791 में समाज में एक बार फिर उथल पुथल होने लगी और इस बार जो सक्रिय भूमिका निभाई वो इस वर्ग ने निभाई और समाज में कहीं ना कहीं एक बार फिर से राशन की दुकानों पर कब्जा किया गया। सम्राट पे इस वर्ग ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया, 4 घंटों तक बंदी बना लिया, इनके अंगरक्षकों की कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई, जगह जगह आंदोलन, मार काट, इस तरह की स्थिति सामान्य हो गई। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से फ्रांस की सामाजिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर में बदलाव आया। 1791 में लुई 16वें को बंदी बनाए जाने के बाद आखिरकार उसने पुनः चुनाव करने की घोषणा कर दी और इस बार जो चुनाव हुआ उसमें खास बात ये थी कि इस बार 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को कहीं ना कहीं इसमें जो है मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और जो कर की जो क्राइटेरिया थी वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया। लेकिन महिलाओं को अभी भी जो है मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप नए जो है चुनाव कराए गए और इस बार का जो चुनाव था, चूँकि इस बार जो है गरीब तबके के लोगों को भी अधिकार प्राप्त था मत देने का, तो इस बार का जो चुनाव का परिणाम था वो जैकोलिन क्लब के मैक्सिमिलियन जैकोलिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेसप्योर जैकोलिन एक क्लब था जहां पर लोग इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं चर्चाएं करते थे राजनीतिक मुद्दों पर और ये ऐसा क्लब था जो कहीं ना कहीं एक सामंत, एक छोटे छोटे जो किसान थे, जो छोटे छोटे तबका था उसमें जो है उसके सदस्यों का समूह था और इसका जो हेड था मैक्सिमिलियन रोबेसप्योर था। इसके हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता आई और जब ये शासक बना 1792 ईस्वी में,
सत्ता इसके हाथ में आई 1792 में, और 1794 तक इसके हाथ में सत्ता थी। अब लगा कि समाज की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब जो है समाज का जो निष्क्रिय अभी तक वर्ग कहा गया, जो सदी समाज का सबसे छोटा तबका था, उसे भी अब कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने का मौका मिल गया था। 1792 के चुनाव में मैक्सिमिलियन रोब्योर ये शासन में आ चुके थे, उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगी, लेकिन उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा खड़ा उतरा इसकी नीतियाँ इतनी कठोर थी, इसने अपनी नीतियों को इतनी कठोरता से लागू किया कि स्वयं इसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। इसने बड़े वर्गों को, पादरी वर्गों को कहीं ना कहीं गिलोटिन पर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो भी समाज का वर्ग कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता, मजदूरों पर कहीं ना कहीं नियम थोपने का प्रयास करता, वो इसे गिलोटिन पर प्रयास करता। गिलोटिन एक प्रकार का यंत्र होता है जो दो खंभों के बीच था। इसकी खोज गिलोटिन वैज्ञानिक ने की थी। ये एक ऐसा यंत्र था जो सर को धड़ से अलग करने वाला यंत्र था। इसमें अमूमन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। तो उस समय गिलोटिन बड़े आतंक के रूप से चलाया, इसीलिए इस समय को काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। इस काल को आतंक का काल कहा जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक सत्तावादी निरंकुशवादी विचारधाराएं कहीं ना कहीं आदेश पारित किया समाज में। कहीं ना कहीं किसानों को ये मजबूर कर दिया गया कि वे अपने फसल समाज शहर में आकर निश्चित दाम पर बेचेंगे। दुकानदारों में लाइसेंस प्रणाली अपनाई बना व्यवस्थित कर दिया। सभी वर्ग को जो है एक निम्न कोटि का जो गेहूं था उसी को उपयोग के लिए वैलिड किया गया। जितने भी चर्च थे उसको, चर्च के जमीनों को, चर्च वाले स्थान को हथिया लिया गया और वहां पर जो है प्रशासनिक कार्यालय में उसको तब्दील कर दिया गया। एक बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर इसने अपनी नीतियों को जबरन समाज में आरोपित करने का प्रयास किया। इसीलिए इसे 1792 से 1794 के काल को आतंक का काल कहा गया। हालांकि 1794 ईस्वी में पुनः जो है शासन परिवर्तित हुआ और अंततः जब डायरेक्टरी शासन 1794 ईस्वी में आया, तब कहीं ना कहीं इसने समाज को, इसने जो है फ्रांस की सत्ता को गणतंत्र घोषित किया और समाज में कुछ हद तक ठीक थी। लेकिन इसके बाद भी समाज काफ़ी व्यवस्थित नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टरी शासन व्यवस्था लाया गया जिसके तहत जनता जो है कहीं ना कहीं दो परिषदों का चुनाव करती थी और दो परिषद 5 कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करती थी और उनमें आपसी विवाद होते रहते थे, जिस कारण बाद में नेपोलियन बोनापार्ट को कहीं ना कहीं उत्थान का प्रयास किया गया। उसे हम समझेंगे किसी अन्य दिन, अगले चैप्टर में। तो इस तरह हमने फ्रांसीसी क्रांति को समझा, उसके सभी तथ्यों को समझा और जानने का प्रयास किया कि कुल कर क्या बात थी, वे कौन कौन से प्रमुख तथ्य थे, कौन कौन सी बातें थी। उम्मीद है आपको फ्रांसीसी क्रांति के एक एक पहलू समझ में आया होगा और एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को एक नया राजनीतिक विचारधारा में मोड़ दिया। यहीं से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार फैलित हुए, क्योंकि जब 1792 में जो है जैकोलिन की सरकार बनी
वहीं से जो है कई प्रकार के चुनाव जो है चुनावी घोषणाएं हुए, सबको वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई, महिलाओं को हालांकि अधिकार नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक महिलाओं को स्वयं अपनी मर्जी से विवाह करने, तलाक के लिए अर्जी डालने की व्यवस्था की गई, महिलाओं को भी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सकी, स्वतंत्रता दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऐसे तमाम स्वतंत्र अधिकार जो वर्तमान में हर देश अपने नागरिकों को प्रदान किए हुए हैं, कहीं ना कहीं वे सभी स्वतंत्रताएं इसी आंदोलन से उभर कर विश्व पटल पर सामने आई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे के टॉपिक में हम इसकी किसी अन्य तथ्य पर, किसी टॉपिक पर विचार वीडियो लाएंगे। तब तक जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।